हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों पानी की कमी को लेकर कैप टाउन जैसे हालत देखने को मिल रही है। प्रदेश में कई जिलों में भयंकर पानी की कमी चल रही है। शिमला शहर में पानी की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सरकार लोगों को पानी देने में पूरी तरह फेल हो रही है। हमारे को 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो हमारे को परसों आई थी 2 बाल्टियाँ, तो दो बाल्टियाँ दी, किसी ने पूरी पूरी भरी, किसी ने दो दो के लिए बस दो दो बाल्टियाँ दी, बाकी उसके बाद हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ तो टॉयलेट के लिए नहीं है, खाना बनाने, कल भी हमने कहीं से गाड़ी से मंगवाया स्पेशली, तो बिल्कुल भी मतलब पानी नहीं है। हिमाचल के CM जयराम ठाकुर से बात की गई तो उनका कहना है, आइए हम दिखाते हैं। करने की कोशिश की है, समस्या है, परेशानी है, और शिमला शहर जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, यहाँ शहर के लोगों को बहुत बड़ी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है, उसका मुझे खेद है। लेकिन ये समस्या राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचनी चाहिए, ये समस्या प्राकृतिक समस्या है, और इस समस्या से बाहर आने के लिए सरकार जो है बिल्कुल गंभीरता से प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। और आज हमने जो है शिमला के जो विधायक हैं, माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उनको भी हमने कहा कि वो भी वार्ड में जा करके सारे काउंसलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके पानी की सप्लाई जहां बहुत कम आ रही है, कई दिनों से नहीं आ रही है, उसको मॉनिटर करेंगे, वहां पानी पहुंचे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने सारी बातें कही हैं। हिमाचल जैसे शहर में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, प्रशासन को जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे नागरिकों को असुविधा न हो। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।